हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले हमने वीडियो के अंदर हमने नॉर्मलता क्या होती हैं और नॉर्मलता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमने पढ़ा था। और नॉर्मलता के अंदर हमने नॉर्मलता से हमने ग्राम तुल्यांक क्या होता है वो हमने देखा था, और ग्राम तुल्यांक से बाद में हमने तुल्यांकी भार क्या होता है वो भी हमने देखा था। तुल्यांकी भार हम अम्ल का कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार हम क्षार का कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार हम किसी साल्ट का कैसे निकालते हैं, किसी लवण का कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा था। और इन्हीं चीज़ों का हम प्रयोग करते हुए आज हम कुछ नॉर्मलता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नोत्तरी हम सॉल्व करेंगे और आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से आप किसी क्षार का या किसी अम्ल का तुल्यांक की भार की सहायता से ग्राम तुल्यांक निकालोगे और ग्राम तुल्यांक की सहायता से आप नॉर्मलता कैसे निर्धारित करोगे किसी भी विलयन की। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिएगा कि हमने पढ़ा था कि नॉर्मलता बराबर होता है WB बटे इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूँ, तुल्यांक की भार बटे अपॉन क्या वन मल्टीप्लाई 1000 अपॉन VML, ये हमारे पास हो गया। नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांक की भार इंटू 1000 अपॉन VML। VML में नहीं दिया हो तो यहाँ पर आपको 1 लिखना केवल, है ना, VML में नहीं दिया हो तो ये क्या यहाँ पर 1 लिखना आपको केवल। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये किसको शो करता है, ये जो वैल्यू है ये किसको शो करता है, ये हम करता है ग्राम तुल्यांक को, किसको शो करता है ग्राम तुल्यांक। और ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है, पदार्थ का भार बटे इक्विवेलेंट वेट, मैं ई भी लिखता हूँ इक्विवेलेंट वेट, है ना, इसको आप ई भी लिख सकते हैं ई भी। ठीक है, ये हमारा होता है। अब हमने कहा कि ई भी क्या है, तुल्यांक की भार क्या है, तो तुल्यांक की भार हमने निकालना सीखा है कि आप किसी भी अम्ल के लिए रेस्पेक्ट में तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे, किसी क्षार के लिए और किसी लवण के लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए किसके अतिरिक्त तत्वों का भी होता है और ऑक्सीकारक अपचय का भी होता है, वो एक अलग चैप्टर आता है उसमें हम देखेंगे उसको कि आप ऑक्सीकारक और अपचय का तुल्यांक की भार किस प्रकार निर्धारित करोगे। तो हम एक प्रश्न लेंगे इस फॉर्मूले के बेस्ड और हम देखते हैं कि आप किस प्रकार से नॉर्मलता का निर्धारण करते हो। तो जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं कि 4 ग्राम NaOH को 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घोलने पर 4 ग्राम NaOH को 100 ml विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आप कर लोगे सॉल्यूशन, आप कैसे करोगे सॉल्यूशन, आपका ये हो जाएगा। देखो आपके पास में WB की वैल्यू गिवन है, कितनी है 4 ग्राम पदार्थ की भार गिवन है, V आपको गिवन है ml में, कितना गिवन है 100 ml। ठीक है, आपको मोलर मास पता है, मोलर मास NaOH का कितना होता है 23 + 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम, ये आपका आ गया मोलर मास। अब आपको निकालना क्या है, तुल्यांक की भार निकालना, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे मोलर वेट बटे जेड फैक्टर, ये हमने पढ़ा दिया आपको। तो मोलर वेट आपका कितना है 40 और जेड फैक्टर कितना है आपका, जेड फैक्टर है आपका, इसमें प्रतिस्थापित करने होंगे OH कितने है? एक ही है ना, तो उसको हम एक लिख देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे एक और उससे हमारी वैल्यू क्या आएगी 40 ग्राम। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस किसी अम्ल में H+ की संख्या एक ही हो तो उसका मोलर भार और तुल्यांक की भार बराबर ही होता है, और जिस किसी क्षार में OH की वैल्यू क्या हो एक ही हो, तो OH की वैल्यू जब एक हो तो उसके अंदर मोलर भार और तुल्यांक की भार क्या होता है बराबर होता है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, N बराबर होता है W, अभी हमने लिखा था N बराबर W बटे EB इंटू 1000 अपॉन VML। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, WB की वैल्यू कितनी है, WB की वैल्यू हमारे पास में है देख लो कितनी है भाई, WB की वैल्यू 4 ग्राम, 4 अपॉन EB की वैल्यू कितनी है, तुल्यांक की भार की 40 है अपॉन
1000 आपने कर दिए अपॉन आपको आयतन कितना गिवन है 100 ml गिवन है, तो मैंने 100 लिख दिया। यहाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब कट गया, ये कट गया एक दो तीन से कट गया, और ये से कट गया, और ये आ गया ये एक वैल्यू आ गई 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक बोलो है ना, 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर बोलेंगे। या इसको और ऐसे लिख सकते हो 1 कैपिटल N, 1 कैपिटल N लिख सकते हो। तो इस प्रश्न से, इस क्वेश्चन से हमें क्या लगा कि जब पदार्थ की मात्रा आपको गिवन हो और आयतन गिवन हो, तो उस विलयन को कितनी मात्रा आप घोलोगे, और घोलने के बाद में उस विलयन की कितनी आपके पास में नॉर्मलता प्राप्त होगी, इस नॉर्मलता का आप निर्धारण आराम से कर सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, अच्छा इस प्रश्न को मैं थोड़ा उल्टा ऐसे करके लिख सकता हूँ कि आपको नॉर्मलता दी हुई हो, नॉर्मलता दी हुई हो और आपको क्या दी हुई हो, आयतन दिया हुआ हो, नॉर्मलता दी हुई हो और आयतन दिया हुआ, तो आप WB की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, है ना। नॉर्मलता दी हुई हो और आयतन दी हो, तो WB की वैल्यू आराम से निकाल दो इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, तो अब जरा देख ध्यान से देखिएगा, अब एक क्वेश्चन, इसको एक और रिलेशन आता है तनुकण का सूत्र। जैसे हमने मोलरता के लिए एक तनुकण का सूत्र पढ़ा था, तो इसके लिए भी एक तनुकण का सूत्र होता है, और वो तनुकण का सूत्र क्या होता है वो भी हम देखते हैं कि उसका सूत्र हम उसकी कहाँ सहायता लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने क्या आपका कहा आपसे कि एक दो हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी नॉर्मलता N1 है और आयतन है V1 है, नॉर्मलता N1 है और आयतन V1 है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया प्लस H2O ऐड पानी कर दिया, तो तनुकरण हो गया। क्या हो गया भाई, तनुकरण हो गया। तो ऐसा करने पर आपके पास में यहां पर जो नॉर्मलता कितनी होगी N2 होगी और वॉल्यूम क्या हो गया V2 हो गया। ठीक है, अब आप जानते हो कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट का बड़ा मतलब क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा N into V आ जाएगा। तो आप एक बार ध्यान से रखिए कि इस पदार्थ के अंदर इस V2 आयतन में जितने ग्राम तुल्यांक होंगे वो ग्राम तुल्यांक यहां पर भी उतने होंगे, भले आपने पानी मिला दिया, पानी मिलाने से उस पदार्थ की मात्रा में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 10 ग्राम तुल्यांक है, यहां पर भी 10 ग्राम तुल्यांक ही रहेंगे, उसमें आपने पानी भले कितना ऐड करो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि यदि आपने इसमें 10 ग्राम NaOH मिलाया हुआ है, उसके बाद आप पानी कितने डालो यहाँ पर 10 ग्राम NaOH ही रहना है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विद द डाइल्यूशन, विद द तनुकरण, तनुकरण के साथ में ग्राम तुल्यांकों की संख्या या मोलों की संख्या में उस विलयन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं ग्राम तुल्यांक की बात करूँ, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक कितने हैं, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक हमारे पास में है, माना कि कितने हो जाएंगे उस फॉर्मूले से N1V1 हो जाएंगे। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक N1V1 होंगे, तो यहाँ पर भी ग्राम तुल्यांक हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी ग्राम तुल्यांक आपके हो जाएंगे N2V2 हो जाएगा, या N1V1 यहाँ पर N2V2 हो जाएगा। ओके, अब ये ग्राम तुल्यांक यहाँ पर और ये ग्राम तुल्यांक यहाँ पर, ये दोनों क्या बराबर है, तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया कि N1V1 बराबर N2V2 हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, N1V1 बराबर N2V2 हमारा एक क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा कि आप तनुकण का तनुकरण सूत्र, इसको बोलते हैं तनुकण सूत्र, क्या बोलते हैं इसको, तनुकरण सूत्र कहते हैं इसको, क्या कहते हैं तनुकण सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तनुकरण सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो कि प्रयोगशाला में आपको उच्च सांद्रता के विलयन दिए हुए होते हैं, प्रयोगशाला में आपको उच्च सांद्रता के विलयन दिए हुए होते हैं, और उस उच्च सांद्रता के विलयन को निम्न सांद्रता के विलयन में आपको बदलना है, तो उसमें पानी कितना ऐड करना है, कितना उस सॉल्यूशन का आयतन लेना है, उस आयतन की मात्रा का निर्धारण आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको कि आप इस तनुकण के सूत्र का कहां प्रयोग कर सकते हो, तनुकण के सूत्र का प्रयोग कहां कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं
कि प्रयोगशाला में आपको, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में आपको 2N H2SO4 या NaOH गिवन है। चलो मैं ये कहता हूँ NaOH, 2N NaOH का गिवन है आपको प्रयोगशाला में, क्या गिवन है, 2N NaOH गिवन है। ओके, अब आपको बनाना क्या है, नया सॉल्यूशन बनाना है तनुकरण के द्वारा, आपको तनुकरण करना है और एक नया सॉल्यूशन बनाना है। नया सॉल्यूशन कितना बनाना है आपको, वो बनाना है आपका 0.5N का, इससे कम वाला बनाना, ध्यान रखना। तनुकरण का सूत्र वही लगेगा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आप आओगे तब तनुकरण का सूत्र लगेगा। तो आपको 2M से क्या करना है, आपको 2M से 0.5N का NaOH सॉल्यूशन बनाना है, और उसका कितने में बनाना है वो आपका आयतन पता होना चाहिए, वो आपको बनाना है 500 ml में, 500 ml आयतन में बनाना आपको। तो सुनो ध्यान से कि 2N NaOH के विलयन का कितना आयतन लूं मैं, जिससे कि उसको मैं 500 ml में घोल दूं तो हमारे पास 0.5 NaOH आ जाए। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, ये वैल्यू तो आपको गिवन है N2 और ये वैल्यू गिवन है आपको V2 और ये वैल्यू क्या गिवन है आपको, ये N1 आपको गिवन है, N1 आपको दी हुई है, आपको V1 आपको निकालना है, V1 आपको निकालना है। तो आपको फॉर्मूला यही पुट अप कर दो इसमें, क्या आपको क्या गिवन है बताओ, आपको N1, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, N1 V1 बराबर N2 V2 हो जाता है। तो N1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 इंटू V1 की वैल्यू कितनी गिवन है, आपको निकालनी है कि इसका कितना आयतन आपको लेना है, और बनाना कितना है, बनाना है आपको 0.5 इंटू V2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 500 ml, ये 500 ml होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा V1 बराबर हो जाएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, तो 250 ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, इसका आधा क्या हो जाएगा, 125 ml, ये हो गया, इसका आधा कर दोगे बट्टे में आ जाएगा, नहीं V1 बराबर इसके लिए बट्टे में आ जाएगा, तो इसको आप करोगे तो आपके पास 125 ml आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि आपको 1N NaOH को, 1N NaOH को तनुकरण करके, 1N NaOH का तनुकरण करके आपको 0.5N NaOH बनाना है, और वो कितने बढ़ाना है आपको, 500 ml बढ़ाना है। तो 500 ml में आपको बढ़ाना है तो उसके लिए इसका कितना आयतन आपको लेना पड़ेगा, इसका कितना आयतन आपको लेना पड़ेगा, तो ये जो आयतन लेना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा 125 ml। इसके विलयन के अंदर से 125 ml ले लो, और 125 के अलावा जितना सारा जो रिमेनिंग है 500 ml में से बाकी पानी ऐड कर दो। तो पानी ऐड करने के बाद में टोटल इसमें पानी ऐड कर दो कितना, 500 में से 125 निकाल दो, 500 में से 125 तो आपको लेना NaOH, और बाकी जो रिमेनिंग रहता वो क्या डालना आपको, शेष रहता वो पानी डाल दो उसमें। तो 500 ml टोटल बना दो, और टोटल बनाने के बाद जो विलयन बनेगा उसकी नॉर्मलता हमारे पास क्या रहेगी, 0.N रहेगी। तो इसका मतलब ये तनुकरण का सूत्र जो है हमारा, किसी भी विलयन को तनु करने में काम में लिया जाता है, ठीक है। किसी भी विलयन को आपको तनु कैसे करना है, उस तनुकरण के सूत्र, तनुकरण के अंदर इसको प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। एक और प्रश्न मैं लिखता हूँ नॉर्मलता से संबंधित, आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपसे कहा एक प्रश्न है, प्रश्न लिख देता मैं, ठीक है। प्रश्न यह है कि 0.5N NaOH का विलयन, 0.25 NaOH का विलयन 200 ml, 200 ml में बनाने के लिए आवश्यक 0.5 NaOH का विलयन 200 ml बनाने के लिए आवश्यक NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए, NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है गिवन क्या है, आपको WB की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, WB की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर, और आपको नॉर्मलिटी की वैल्यू गिवन है 0.5 N गिवन है, ठीक है। और आपको आयतन गिवन है, V गिवन है आपको कितना, 200 ml, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर WB बटे इक्विवेलेंट वेट होता है मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन VML, ठीक है। आपको निकालना WB, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB बराबर
नॉर्मलता इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वी ये हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। तो आपसे उससे क्या हो जाएगी डब्ल्यू वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये देखो 0.5। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में कि एनएमएस के लिए ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इक्विवेलेंट वेट की 40 होती है, और वॉल्यूम कितना गिवन है 200 ml गिवन है, और अपॉन क्या करना है 1000 करना। तो ये कट गए, तीन के तीन जीरो कट गए, अब कितना हो जाएगा 20 हो गए, तो 2 और 2 4 ग्राम अप कर दोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में हो गया और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या करोगे 4 ग्राम। क्या करोगे आप क्या करोगे, 4 ग्राम को लीजिए, 4 ग्राम NaOH को लीजिए और 4 ग्राम NaOH को किस में डिसॉल्व कर दो, 200 ml वाटर में डिसॉल्व कर दो। 4 ग्राम NaOH को 200 ml में डिसॉल्व करने पर जो विलयन आपको मिलेगा, उस विलयन का जो आपको नॉर्मलता होगी, वो नॉर्मलता किसके बराबर होगी, वो नॉर्मलता आपके पास में होगी 0.5 NaOH के बराबर होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है कि नॉर्मलता से संबंधित हमने प्रश्न देखे हैं कि आपको किसी भी पदार्थ की मात्रा गिवन हो तो उस मात्रा से आप किस प्रकार से नॉर्मलता का निर्धारण कर सकते हो, और आपको जब पदार्थ की नॉर्मलता आपको उसकी गिवन है विलयन की, तो उस नॉर्मलता के विलयन को बनाने के लिए आपको कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू हम कैसे निर्धारित करेंगे। और साथ में हमने ये देखा कि किसी विलयन को हम तनु कर देते हैं या उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं तो विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो घट जाती है। तो जैसे लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास में उच्च सांद्रता के या उच्च नॉर्मलता के विलयन दिए हुए होते हैं, उच्च सांद्रता के विलयन को हमें निम्न सांद्रता के विलयन में बदलना है, तो उसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तनुकरण के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसका मतलब क्या होता है N1V1 बराबर N2V2। और ये कैसे आपको पता है कि किसी भी पदार्थ का आप तनु करोगे तो तनु करने पर उस पदार्थ में उपस्थित मोलों की संख्या की बात करें या ग्राम तुल्यांक संख्या की बात करें, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें उनकी मात्रा निश्चित रहती है। भले उसका आप तनुकरण कर लो, 500 ml कर लो, 1000 ml कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन उस विलयन के अंदर उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या या उसमें उपस्थित मोलों की संख्या में कोई परिवर्तित नहीं होता है। एक ऐसा कैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोलरता के अंदर, और वो था हमारे पास में M1V1 बराबर M2V2। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो मोलरता के केस में यूज लिया जाता है और ये फॉर्मूला हमारे नॉर्मलता के केस में यूज लिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए सांद्रता से संबंधित एक होगा, तो हम मोलरता हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।